आपने पत्रकारिता के साथ साहित्य में भी हाथ आजमाया है आपका एक कहानी संग्रह भी आया है तो ये जो कहानी है लिखना आपने शुरू किया है ये इसके कुछ आंतरिक दबाव हैं कि बाहरी दबाव हैं नहीं कहानियाँ वैसे ये है सही है कि संकलन अब आया है जो 2005 हज़ार पाँच लेकिन देखा जाए तो मैं कहानी पहले भी लिखता रहा बल्कि मैं जर्मनी में जब रहा तब मैं ज़्यादा कहानी मैंने उसके पहले जर्मनी जाने से पहले एक दो कहानियाँ मैंने लिखी थी और उन्नीस में भी मैंने कई कहानियाँ जब जब मुझे अकेले रहने का ऐसा अवसर मिला कम पत्रकारिता के दबाव यदि कम रहे तो और समाज में मुझे लगता था कि जो काम अखबार में नहीं कर सकते हैं कहानी के जरिए इसलिए राजनीतिक रूप जो रूप है या पत्रकारों की जो माहौल है जो समाज में कुसंगतियाँ हैं विसंगतियाँ हैं और ढोंग है पाखंड है आप मेरी कहानियों में देखेंगे कि उस सब रूप को बहुत ही तीखे ढंग से कई बार आप समाचारों में या टिप्पणियों में बात नहीं कह सकते हैं जो कहानी के जरिए कह सकते हैं आपको कुछ ऐसी यादें याद हैं कि किसी शरारत करने पर या बदमाशी करने पर आपको खूब डांट खानी पड़ी हो या पिटाई हुई हो आपकी पिटाई तो नहीं हुई उस तरह से कहना चाहिए कुछ मेरा सौभाग्य रहा वैसे बचपन में ऐसे मौके आते हैं जब आप शरात कर ये ठीक है कि जब मैं देर रात रात तक जैसे कहना चाहिए कि स्कूल डेज में सही नाटक करने लगे और नाटक में देर रात तक उसकी रिहर्सल हो रही है तब पिताजी से काफ़ी डांट सुनने को मिलती थी कि बिल्कुल नालायक है पिताजी भी प्यार भी करते थे लेकिन इस बात के लिए खूब फटकार लगती थी कि रात को दो बजे पता नहीं आवारा हो गए हैं क्या होने वाले हैं प्रोत्साहन भी मिलता था एक तरह से कि आप अच्छा मतलब कुछ करें ये भी इच्छा उनकी रहती थी कि जब वाद विवाद प्रतियोगिता में वो तो दिन में उसमें कुछ नहीं है आपको घर में बैठ करके अकेले ही प्रैक्टिस में करता था पत्थरों के सामने कि कैसे बोला जाता है अब चाहे वो टीवी में बोलना भी जो मैंने आगे बढ़ा तो उसके पीछे या रेडियो में काम किया पत्रकारिता में किया तो वो मेरी देन वो है कि मैं पत्थर को ये मानता था कि ये सब मेरे श्रोता है मेरे दर्शक हैं तो उससे तो एक तरह से लेकिन और उस समय में पिताजी यदि प्रोत्साहन देते थे लेकिन जब देर रात हो जाती थी और आप क्वेश्चन होगा मतलब जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ा तब उसी समय मैंने पत्रकारिता भी एक तरह से शुरू कर दी थी तो तीन तीन बजे तक मैं पत्रकारिता भी करता था और उसके बाद मैं कॉलेज भी सुबह सात बजे पहुंच जाता था तो डांट इसलिए कम मैं मार पढ़ने की नौबत इसलिए नहीं आई कि कभी भी मैंने अपने को संतुलन भी बनाए रखा कि पढ़ाई में मैंने पीछे नहीं हटा और मेरी जो इच्छा थी जो करने की वो भी मैं करता रहा